कोरोना से स्वस्थ हुए 8 लोगों को आज सुखसागर मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं अतिरिक्त तहसीलदार दिलीप चौरसिया को कल मंगलवार 12 मई की रात को ही सुखसागर कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई थी। इस तरह सुखसागर कोविड केयर सेंटर से कोरोना से स्वस्थ हुए 9 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। जबलपुर में अब कोरोना से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या 56 हो गई है। आज बुधवार को सुखसागर कोविड केयर सेंटर से CSP रोहित काशवानी को भी डिस्चार्ज किया गया। CSP रोहित काशवानी सहित सब इंस्पेक्टर को उनके सीनियर अधिकारियों ने रिसीव करते हुए पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। बैंड की धुनों के साथ पुलिस अफसरों के स्वागत, हौसले और प्यार को देखकर मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखें छलक गईं। पुलिस महकमे में संभवतः पहला मौका रहा होगा जहां कर्मवीरों के स्वागत के लिए IG जबलपुर जॉन भगवत सिंह चौहान सहित पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम के गेट पर खड़े रहे। आज मैं रोहित काशवानी CSP गढ़ा, आज मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। कोरोना से मेरी दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। मैं जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी शासन की तरफ से निर्देश आए हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं और बेसिक सामाजिक दूरी बनाए रखें। सभी लोग जो भी है बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करें और हमारे पुलिसकर्मी जो भी या स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन के अधिकारी सभी लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ और उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। और मैं अपने पुलिसकर्मियों के लिए भी यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और आगे भी मध्य प्रदेश पुलिस के इसी मोटो देशभक्ति जनसेवा को निभाते जाइए और इस अवसर को एक जनसेवा का अवसर समझते हुए अपनी ड्यूटी करते जाइए। थैंक यू। आज हमारे जबलपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण कोरोना जो पॉजिटिव हुए थे वो अस्पताल से छूट कर आए हैं और उसमें हमारे एक CSP, एक सब इंस्पेक्टर और एक हमारा ड्राइवर और बाकी 4 टोटल सभी कर्मचारी हमारे आज स्वस्थ होकर वापस लौटे। हमने उनका यहाँ ऑन द वे, वो अपने जगह जा रहे थे तो हमने रोक कर उनका स्वागत किया है और ये हमारे योद्धा हैं जो एक जंग जीत के आए हैं। हमारे सभी जो और पुलिस साथी हैं, जनता से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी से हम जीत सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसमें सावधानी